अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, अपवर्क के ऊपर आप लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो कैसे बचा जाए सस्पेंशन से, कैसे बचा जाए स्कैम से, और कैसे बचा जाए ऐसी एक्टिविटी से कि जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल के ऊपर कोई ना कोई बैड इंप्रेशन आए और आप पेनलाइज हो जाएं, या फिर आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हो जाए, या फिर समटाइम परमानेंटली आपकी प्रोफाइल डिसेबल हो जाती है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने अपवर्क के ऊपर अपना करियर शुरू किया है और या फिर आप पहले से काम कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि जिनको सुनने के बाद यकीनन आप लोगों को फ़ायदा भी होगा, और इन चीज़ों से या इन प्रैक्टिसेस से आप लोग अवॉइड करेंगे तो आपकी प्रोफाइल बच भी जाएगी और आप लोग आसानी से अच्छे अंदाज में अपने इस करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, और जो प्लान्स आप लेकर आए हैं अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उसमें आप कामयाब हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। दोस्तों, याद रखिएगा कि फाइवर कब आपके अकाउंट को सस्पेंड करता है या टेम्परेरी जो है वो ब्लॉक कर देता है या मुकम्मल तौर पे डिसेबल कर देता है, इसके कुछ सिनेरियोज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब इनमें से कुछ सिनेरियोज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पता चले कि यार किन किन प्रैक्टिसेस को किन किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। नंबर वन, के जो सबको पता है कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म कि जहाँ पर आप एज ए फ्रीलांस सर्विस आप देते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म कभी भी नहीं चाहता कि आप किसी क्लाइंट को उस प्लेटफॉर्म से बाहर लेकर जाएं और आप उसको डायरेक्टली जो है वो अपनी सर्विसेज ऑफर करें और आप उनसे पेमेंट की लेन देन करें। इसका फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा नुकसान क्या है, पहले इन पॉइंट्स को मैं आपको बताता हूँ कि किन चीज़ों की वजह से आपकी प्रोफाइल बैन हो सकती है, डिसेबल हो सकती है, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि डायरेक्टली जब आप अपवर्क से बाहर निकालते हैं क्लाइंट को तो यहाँ पर फायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसको भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा ताकि आप लोगों को दोनों तरफ के जाविये पता चलें। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपवर्क से बाहर निकाल के पेमेंट्स की लेन देन करना शुरू करते हैं। वजह ये होती है क्योंकि अपवर्क के ऊपर आपने देखा है कि कमीशन आपको पे करना पड़ता है, उसके बाद फिर एक्सचेंज रेट में बड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो इस तरह आपने जो एक्चुअल अमाउंट में ऑर्डर अपडेट किया था वो अमाउंट आपको नहीं मिल रही होती, वो जो है वो अपवर्क का कमीशन भी कट जाता है, उसके बाद एक्सचेंज रेट कटने के बाद फिर आपको एक ऑर्डर मिलता है। ठीक है, जैसे कि 200 का ये मेरा ऑर्डर है तो आपको जो है वो $20 आपके कट जाएंगे और आपको 180 मिलेंगे। ठीक है, $25 का आपका कोई अगर ऑर्डर है तो उसमें से आपका $2.5 कट जाएंगे, $22.50 आपको मिलेगा। तो ये कुछ जो है अपवर्क के कमीशन है या अपवर्क की सर्विस चार्जेस हैं जो कि डिडक्शन होती हैं। तो इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि उनको अपवर्क से बाहर लेकर आते हैं। ऐसे एक्टिविटीज से भी जो है वो अपवर्क आपको बैन कर सकता है, डिसेबल कर सकता है। ठीक है, अपनी एक स्टोरी बताऊंगा जिसकी वजह से मेरी प्रोफाइल बैन हो चुकी थी लेकिन मैंने उसको दोबारा से अनबैन करवा दी है। उसके रीज़न क्या है, स्टोरी क्या है, ये भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि अपवर्क के ऊपर आपने किसी को बिड किया, प्रपोजल भेजा, उसने रिप्लाई किया, तो समटाइम अपवर्क के जो बायर्स हैं उनमें भी स्कैमर्स होते हैं। ठीक है, अब वो आपसे ये कहते हैं कि आप अपने पेमेंट से जो है वो मेरी सर्विसेज खरीद लो, मैं आपको बाद में पे करूंगा। ठीक है, या फिर वो आपको ये कहते हैं कि मुझे आप इस ईमेल पे, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे रीच आउट करें, आप काम यहां कर लें, बाकी मैं पेमेंट्स वहां कर लूंगा। तो ऐसे एक्टिविटीज के ऊपर भी आपकी प्रोफाइल बैन हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है कि समटाइम क्या होता है कि क्लाइंट या फिर आपका जो बायर है वो आपको हमेशा ब्लैकमेल कर रहा होता है, ये कम पैसों के ऊपर ज़्यादा काम लेना चाहता है, तो ऐसे में आपके कंप्लेन करने से पहले वो आपकी कंप्लेन अपवर्क को करता है, तो ऐसे में भी आपकी प्रोफाइल बैन हो सकती है। तो इसमें आप लोगों को ईमेल आएगी बैन होने के बाद, उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, तमाम डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी, तभी जाके आपकी प्रोफाइल अनबैन हो सकती है। अगर आप लोग अपने क्राइटेरिया के अंदर रहते हुए आपने उसको ट्रीट किया है और आप सही राइट पे हैं, ठीक है, अगर आप राइट पर हैं तो। ठीक है, अब बढ़ते हैं किसी भी क्लाइंट को अपवर्क से बाहर निकालने के नुकसान और फायदे क्या हैं। जो सबसे पहले मैं आपको नुकसान बताऊंगा कि इसका नुकसान क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पे $500 का एक क्लाइंट था, आपने अपना जो है वो आपने क्या किया कि उसको आप बाहर लेकर आए, आपने उसका काम कर लिया, करने के बाद आपने उसको डिलीवर भी कर दिया होगा, या फिर आपने कोई स्मार्ट वे से अपने किसी अकाउंट के अंदर उसका काम करने के बाद उसको जस्ट दिखाया है, तो यहाँ पर कोई सेफ हो सकता है। अगर उससे भी ज़्यादा आगे बढ़कर वो आपसे कोई चालाकी दिखाता है तो यहाँ पर क्या होगा कि काम आपका लेगा, उसके बाद पेमेंट आपको जो है वो हो सकता है ना दे या कम दे, ये इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, फायदा ये हो सकता है कि अगर मिसाल के तौर पे 500 वो आपको दे देता है तो 500 के ऊपर अगर आप अपवर्क के जो सर्विस चार्जेस हैं
ठीक है, वो तकरीबन $50 हैं, ठीक है, 500 के ऊपर $50 जो है वो आपके बच जाएंगे, ठीक है, $50 के कमीशन जो अपवर्क पे कटने थे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, तो ये फ़ायदा हो सकता है, इसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर अगर आप उसको ऑनवर्ड आप सेलिंग करते रहें या लॉन्ग टर्म उस क्लाइंट को लेकर चलते हैं तो जितने भी पेमेंट्स आप लेंगे अपवर्क कमीशन नहीं कटेगा क्योंकि आपने क्लाइंट को डायरेक्ट किया है। तो मैं आपसे रिकमेंड ये करूँगा, क्योंकि आपको ये एक क्लाइंट नहीं मिलना, आपने मल्टीपल क्लाइंट के साथ काम करना है, एक पूरा जो है वो एक सिस्टम बनाना है, एक पूरा बिजनेस बिल्ड करना है, तो ये क्लाइंट्स का जो फ्लो आपको मिलना है ये अपवर्क से मिलना है। तो आई वुड हाईली रेकमेंड के कीप योर ऑल क्लाइंट्स इन द अपवर्क प्लेटफॉर्म टू अवॉइड यू नो गेट बैंड, ठीक है। अगर ये आपने प्रोसेस को फॉलो किया तो आप इन फ्यूचर बहुत जल्द ग्रो भी करेंगे, और जब आपको लगे कि यार आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी ग्रो कर चुकी है तो वहां पर आप फिर आप अपनी सेपरेट एजेंसी बिल्ड करें। क्योंकि ये आप शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अपवर्क के ऊपर ही काम करें, अपवर्क के ऊपर ही अपने सर्विसेज को डिलीवर करें, पेमेंट्स लें और अच्छी प्रोफाइल बिल्ड करें। इसी प्रोफाइल की मदद से आपका नाम बनेगा, इसी प्रोफाइल की मदद से आपकी एजेंसी की वर्थ बढ़ेगी, टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे, रिव्यूज़ मिलेंगे, और जितना मर्जी बड़ा जो है प्रोजेक्ट आप लेना चाहें यहाँ से आप ले सकते हैं। और डेफिनेटली जब आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्रो करेंगे तो अपवर्क का जो कमीशन का जो क्राइटेरिया है वो बाद में कम होगा जितना आप लेवल्स अचीव करने जाएंगे, ठीक है। जैसे कि टॉप रेट सेलर्स का कमीशन जो कटता है वो इससे कई गुना कम है, हमारा चूंकि स्टार्टिंग है तो हमारा ज़्यादा होता है, तो चूंकि उनको एक बिजनेस फ्लो मिलता है टॉप रेटेड सेलर से या फिर अच्छे जो जिनके पास ऑर्डर आते हैं तो उनका एक बिजनेस फ्लो चल रहा होता है, क्लाइंट फ्लो चल रहा होता है, तो वहाँ पर जो है वो उनको कमीशन हमेशा कम करता है, उन्हें पता है कि ये बिजनेस कंसिस्टेंसी से जो है वो आता रहेगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनसे आपने अवॉइड करना है। अपवर्क को अच्छी तरह यूटिलाइज कीजिए, अपवर्क के ऊपर अपनी बेस बनाइए, क्लाइंट लिस्ट बनाइए और देखें आप कितना अच्छा अर्न करने लगेंगे। कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोज मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।